नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आज सदन में बहुमत साबित करेंगे नीतीश कुमार। सुबह 11 बजे विधानसभा में होगा फ्लोर टेस्ट। एनडीए ने किया 132 विधायकों के समर्थन का दावा। आज होने वाले बहुमत परीक्षण के खिलाफ सड़क पर उतरे आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, राज्य भर में कर रहे हैं प्रदर्शन। बिहार गवर्नर के फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंची लालू यादव की पार्टी। सूत्रों के हवाले से खबर, पटना हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका। लालू ने नीतीश को बताया अवसरवादी नेता। शिवसेना ने कसा बीजेपी पर तंज। मुखपत्र सामना में लिखा, नीतीश कुमार को समर्थन देकर बीजेपी ने पाकिस्तान को किया खुश। चुनाव से पहले अमित शाह ने कहा था, नीतीश कुमार सीएम बने तो पाकिस्तान में पटाखों की होगी आतिशबाजी। शंकर सिंह वाघेला के बाद गुजरात कांग्रेस को दूसरा बड़ा झटका। बलवंत सिंह राजपूत समेत कांग्रेस के 3 विधायकों ने थामा बीजेपी का दामन। सूत्रों के मुताबिक 6 और कांग्रेसी विधायक दे सकते हैं इस्तीफा। बीजिंग में आज चीनी राष्ट्रपति से मिलेंगे एनएसए अजीत डोभाल। मुलाकात से पहले चीनी मीडिया की गीदड़ भभकी। लिखा, डोकलाम पर पीछे नहीं हटे तो कश्मीर में देंगे दखल। गुजरात में बाढ़ और बारिश से हाहाकार। अहमदाबाद में भरभराकर गिरी इमारत। यूपी में भी हालात बेकाबू। खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं नदियां। पनामा पेपर लीक मामले में नवाज शरीफ के भविष्य का फैसला आज। सुबह 11:30 बजे होगी सुनवाई। नवाज और उनके परिवार पर लगे हैं भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप। और तमाम विवादों के बीच आज रिलीज हुई मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार। रिलीज रोकने के लिए दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।